Well, dears, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. I mean to say your life is a bed of roses and you guys are going to learn something new today. Well, if I'm audible properly, do let me know. After that, I'm simply going to start my session. तो एक बार जो मेरी आवाज है वो चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग शुरू करने वाले हैं जी अपना सेशन. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. I have simply come to know I'm audible properly, so we are just about to start our session. As you guys know, this session is gonna be all about antonyms and synonyms for CTAT, HTAT, NDA, CGL, SSC, Navy, Air Force, Bank or PO. मैं already जो words use हो चुके हैं उनका एक session लेकर के आते हैं और इसको एक psychological तरीके से अभी हम लोग याद करेंगे. For the time being, English Zone YouTube channel पर आप लोगों का स्वागत है और मैं आपका language trainer Rajesh Prasami right here. तो चलिएगा, जो ये लिंक है इसको आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिएगा और वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट आवर सेशन. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला वर्ड आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, रुक करिएगा. इट इज कॉल्ड क्लैटर. क्या भाई? क्लैटर बोला जाता है. और क्लैटर को याद करने का तरीका है कल और लेटर. किससे याद करेंगे? कल और लेटर से याद करेंगे कि भाई कल लेटर लिखते टाइम बहुत सारा शोर शराबा हो रहा था. क्या? बहुत सारा हंगामा हो रहा था. हंगामा या शोर शराबा बिकम्स क्लैटर. क्या भाई? हंगामा या शोर शराबा बिकम्स शोर शराबा बिकम्स क्लैटर. जिसके सिनोनिम्स हैं पंडेमोनियम. पंडेमोनियम शब्द बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने याद करा था पंडे और मुनियों से, कि भाई पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया है. या फिर एक वर्ड है रैटल, और रैटल वर्ड हमने याद करा था रैट से, जंगली चूहा जो होता है. कि भाई रैट्स जहां भी होते हैं वो वहां पर बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो बहुत ज्यादा आवाज करना हमारा रैटल बना या पंडेमोनियम बना. ठीक है भाई? अप्रोर हो गया, ट्यूमल्ट हो गया, बोइस्ट्रस हो गया. इसके और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो अभी जो पुराने वाले बच्चे हैं वो अभी कमेंट सेक्शन में लिख देंगे. बिल्कुल लक्ष्य का जवाब आ गया है. पंडेमोनियम, अप्रोर, ऑब्स्टेप्रस आ गया है, रैटल आ गया, बोइस्ट्रस आ गया, ट्यूमल्ट, टर्मोइल या क्लैटर आ गया है. बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है. आइए एक बार कमेंट सेक्शन का रुक कर लेते हैं, कौन कौन आ चुका है. मिस्टर बामनिया, वीवी, एनडीए का फुल सिलेबस करेंगे भाई, डेफिनेटली. बिल्कुल बिल्कुल, फुल सिलेबस करेंगे. द वेरी फर्स्ट कमेंट करने वाले हैं प्रियंका मलिक. बेटी आपका स्वागत है. टैग फॉर गेमर्स, हेलो डियर. और डिंपल दलाल, गुड इवनिंग भाई. पवन मलिक इज देयर, हेलो. और लक्ष्य ढाका, शुभम राठी, हर्षिता सिंह और नकुल भट्ट इज देयर, हेलो डियर. कुनार मित्तल और समीर राणा, राणा ऑनलाइन गेमर, विधि और नवल कुमार, गुड इवनिंग भाई. चलेगा. अमित चहल इज देयर, दिशा, साकेत और रानू चहल इज देयर, याकूब इज देयर, कुंज बंसल इज देयर. कुंज डियर आपका स्वागत है. तिलक इज देयर एंड विशेष धनकड़, हेलो डियर, हेलो. चलेगा चलेगा, बहुत ही बढ़िया है. तो चलेगा. राठी ब्लॉग्स इज ऑल्सो देयर. तो वंशिका इज देयर, वंशिका आपका स्वागत है. चलेगा. सक्षम इज ऑल्सो देयर, वेलकम डियर. चलेगा. तो पहला जो हमारा वर्ड है क्लैटर, और क्लैटर को हम लोगों ने याद किया कल और लेटर से, कि भाई कल लेटर लिखते टाइम बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था. तो शोर शराबा बिकम्स क्लैटर. जिसके सिनोनिम्स हैं पंडेमोनियम हो गया या रैटल हो गया. इफ आई टॉक अबाउट एंटोनिम्स, तो साइलेंट हो गया या खाम हो गया, ये हमारे क्या हैं? इसके एंटोनिम्स हैं. आज वाला सेशन करवा के पहले वाले जो हम लोगों ने वोकैब याद करी थी उसका हिंट दूंगा, और हमारा ऑन स्क्रीन टेस्ट होगा भाई. ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, इसके बाद में ऑन स्क्रीन टेस्ट होगा, फिर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कोई एक टॉपिक ग्रामर का शुरू करेंगे. चलेगा. द वेरी नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर आ चुका है जी नेक्स्ट वर्ड, ये है क्लिंग. क्या है भाई? क्लिंग है. और क्लिंग को याद करने का तरीका है कल और शिवलिंग. कल जब हम मंदिर में गए तो शिवलिंग से कसकर लिपट गए. क्या भाई? कल जब हम मंदिर गए तो हम शिवलिंग से कसकर लिपट गए. तो भाई कसकर लिपट जाना क्या कहलाता है? क्लिंग. क्या? कसकर, कसकर लिपट जाना, लिपट जाना क्लिंग कहलाता है. जिसके सिनोनिम से अधियर, अधियर हमने याद करा था किससे? आधी रात से. कि भाई आधी रात को भी जो उठकर आपके साथ चल दे वो आपका पक्का अनुयायी है, अधिरंट. ठीक है, अधिरंट होता है पक्का अनुयायी. और अधियर का मतलब क्या हो गया? आपका साथ देना, आपके साथ बने रहना, या आपका आपको फॉलो करना, इस तरीके से बनेगा. या फिर स्टिक लाइक ग्लू. क्या भाई? स्टिक लाइक ग्लू. जल्द ही शुरू करेंगे भाई एनडीए का सेशन. विपिन देशवाल इज देयर, गुड इवनिंग डियर. चलेगा. बिल्कुल. दिव्यांशी तिवारी इज देयर, तो दिव्यांशी आपका स्वागत है, वेलकम. दीपिका और शगुन गर्ग,
संदीप बंसल इज देयर, आयुष वेलकम डियर, और युग राणा इज देयर, गुड इवनिंग भाई, विपिन देशवाल हेलो, चलिएगा चलिएगा बहुत बढ़िया, तुषार अरोरा गुड इवनिंग डियर, चलेगा। तो भाई क्लिंग का मतलब बना कसकर लिपट जाना, और इसके एंटोनिम्स क्या हैं, सेपरेट हो गया या डिविजन हो गया, क्या भाई सेपरेट हो गया या डिविजन हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हैं। जैसे हमारा ऑन स्क्रीन टेस्ट आएगा, बस एडिटिंग कर दी थी, हाँ एडिटिंग काफी अच्छी करी थी अमित, आपने मेरे पास थंबनेल भेजा था भाई, बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। जैसे इसके बाद में हम लोग अपना ऑन स्क्रीन टेस्ट शुरू करेंगे, तो देखना तीनों लोगों से पुष्प वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, बच्चों के ऐसे ऐसे जवाब आएंगे। प्रिंसी बेटे स्वागत है आपका, चलेगा। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। और क्लिंच तो खैर हम लोगों ने पहले क्लिंक करा था सेकेंड वर्ड, और ये क्या आ गया भाई, क्लिंच आ गया है। और क्लिंच को याद करने का तरीका क्या है, कल और इंच, यानी कि कल रूपरेखा का इंच इंच हम लोग तैयार कर देंगे, क्या भाई कल रूपरेखा का इंच इंच हम लोग तैयार कर देंगे, यानी कि अंतिम रूप से कोई काम तय कर देना, अंतिम रूपरेखा तैयार करना, ठीक है, तैयार करना, क्लिंच, कल अपनी योजना का इंच इंच हम लोग तैयार कर देंगे, जिससे सिनोनिम्स हैं कंफर्म हो गया या डिसाइड हो गया, क्या भाई कंफर्म हो गया या डिसाइड हो गया। निखिल पाराशर गुड इवनिंग भाई। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हर जगह आएंगे। दिव्यांशी वोकैब हमारा क्या है, एक बेस है, किस चीज का, इंग्लिश का, बगैर वोकैब के कैसे करोगे आप, कोई भी एग्जाम लोगे, चाहे आप अपना सिलेबस का लीजिए, अपना एग्जाम एग्जामिनेशन जब आपका होगा, एग्जाम लोगे तब भी आपको वोकैब की जरूरत पड़ेगी, ट्वेल्थ के बाद में डेफिनेटली जरूर से जरूर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए बिल्कुल भाई, इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, यहाँ पर मेरा नंबर स्क्रॉल कर रहा है, और आप लोग कोटा वाले जो बच्चे हैं डेफिनेटली ये ग्रुप में भी हैं, तो ग्रुप में भी इसका जो पीडीएफ है मैं सेंड कर दूंगा भाई। चलिए तो भाई अंतिम रूपरेखा तैयार करना हमारा क्लिंच बना, जिसको कन्फर्म या डिसाइड बोल देते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इनिशियल यानी कि शुरुआत करना, या इंसिपिएंट, ठीक है भाई इंसिपिएंट था ये, और आई थिंक सो एक आई इज मिसिंग और आई आ गया यहां पर, इंसिपिएंट, ठीक है भाई, ये इसके एंटोनिम्स हैं। स्टार्टिंग वाला वर्ड क्लेटर था, जो हमने कल और लेटर से याद करा था कि कल लेटर लिखते टाइम बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, ये जो वर्ड है ये क्लेटर है, क्या क्लेटर है भाई, ये वो क्लेटर था, ये क्लेटर है, और क्लेटर को हम लोग याद करेंगे कल और लुटेरों से, किससे याद करेंगे भाई, कल और लुटेरों से याद करेंगे, यानी कि कल लुटेरों ने सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, तो भाई अस्त व्यस्त करना हमारा क्लटर कहलाता है, क्लटर शोर शराबा था, क्लटर अस्त व्यस्त कर देना। डी अरेंजमेंट हो या डिरेंजमेंट हो, दोनों एक एक ही बात है, या डिसऑर्डर। जबकि एंटोनिम्स की बात करें तो भाई फिक्स या ऑर्डर से लगा देते हैं कोई भी चीज, तो फिक्स या ऑर्डर इसके बने भाई एंटोनिम्स। चलिएगा यस चलिएगा, इसी के साथ में हम लोग आगे चलते हैं। बड़ा ही मस्त शब्द आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, या ये नंबर जो अभी स्क्रॉल कर रहा है यहां पर हाय हेलो लिख करके भेजिएगा, या पीडीएफ लिख करके भेजिएगा, आपको मिल जाएगी। ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे ही टॉपिक्स की पीडीएफ आपको मिलेगी, जो भी आपका सिलेबस है, चाहे आप 9th में पढ़ते हैं, 10th 11th या 12th में पढ़ते हैं, सारा सबका सिलेबस आपको मिलेगा, साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी भाई। चलेगा, जो ये वर्ड है ये कॉमिनेट, क्या भाई कॉमिनेट वर्ड को याद करने का तरीका है कमीनों से याद करेंगे, किसको, कॉमिनेट को, यानी कि उन कमीनों को आते ही हमें श्राप देना है, क्या श्राप देना, बिल्कुल भाई कॉमिनेट का मतलब क्या बना, श्राप देना, किसे याद करा, कमीनों से, उन कमीनों के आते ही उनको हमें श्राप देना है, और ये सिर्फ याद करने का तरीका है, मेरा मोटिव नहीं है कि आप शब्द में निकालूं, तो इससे ये याद किया जाएगा, ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है भाई। श्राप देना हमारा कॉमिनेट बना, जिसका सिनोनिम है कर्स, ठीक है भाई, और इसका एंटोनिम क्या बना, बून वर्ड को हमने बन से याद करा था, बन या वन, बन में रहने वाले लोगों को क्या मिलता है, वरदान मिलता है, बन में रहने वाले लोगों को वरदान मिलता है, तो वरदान का मतलब बून बन गया, ठीक है। चलिए
समीर बेटे आपका स्वागत है। हिमांशु यादव, कलिंच का मतलब हुआ कल और इंच से याद करा था, कल इंच इंच करके हम अपनी अपनी योजना को अंतिम रूप दे देंगे, यानी कि किसी भी योजना को अंतिम रूप दे देना। जैसे फाइनल होने से पहले एक बार रिहर्सल करी जाती है ना, तो वही बात हो गई है। चलिए मिस्टर बामनिया, वेलकम डियर, वेलकम, चलेगा चलेगा। मयंक देशवाल स्वागत है बेटे, स्वागत है। तो खोमिनेट के बाद में जो वर्ड आया है वो आया खमूव। इसका जो प्रोनंसिएशन है वो भी जरूर से जरूर आप लोग देखिएगा भाई। और खमूव है ये वर्ड है जो खमूव, और खमूव को याद करने का, खमूव को याद करने का तरीका है कोमू। कोमू नाम का एक लड़का है, क्या भाई? कोमू नाम का एक लड़का है जो हमें हमेशा गलत काम करने के लिए उकसाता है। तो गलत काम करने के लिए उकसाना जो होता है, क्या होता है? उकसाना। खमूव का मतलब बना भाई उकसाना। जिसके सिनोनिम्स क्या हैं? प्रोवोक करना, इंसाइट करना, सपर या फिर फोमेंट। यहां पर FOMENT का मतलब फोमेंट होता है, और इस वर्ड को हमने याद करा था, फोमेंट को याद करा था फेमस होने के लिए आंटी, यानी कि फेमस होने के लिए आंटी आपको गलत काम करने के लिए उकसा रही हैं। तो फोमेंट का मतलब क्या बना? उकसाना। जबकि इसके एंटोनिम्स हैं खाम या सूत। क्या भाई? खाम या सूत इसके एंटोनिम्स हैं। चलेगा चलेगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इशू हेलो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? विकास वत्स, गुड इवनिंग भाई, आई होप यू आर कीपिंग वेल। चलेगा बिल्कुल भाई। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर, कॉम्प्लॉट। देखिएगा इनका जो उच्चारण है हिंदी में लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई ये बोले कि भाई इंग्लिश का सेशन है, यू आर गोइंग फॉर हिंदी, सो वॉट यार, हिंदी बोलते टाइम हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कि एक बात बताओ, अंग्रेज लोग अगर हिंदी बोलते हैं, टूटी फूटी हिंदी अगर वो बोलते हैं, तो हम लोग कितना कूल मानते हैं ना, वाओ ही इज यूजिंग हिंदी, मतलब हद है यार। अगर हम लोग हिंदी बोलते टाइम इंग्लिश का यूज कर लेंगे तो हम लोग कूल हैं। यानी कि हिंदी है वो हमारी मातृभाषा है, और इंग्लिश है वो हमारी पत्नी भाषा है। और सुनिएगा सुनिएगा, माँ कभी गलत नहीं होती। क्या? माँ कभी गलत नहीं होती, पत्नी 100 बार गलत हो सकती है, लेकिन ये अलग चीज है, पत्नी भी किसी की माँ हो सकती है। यानी कि माँ कभी गलत नहीं होती, और इंग्लिश बोलते टाइम अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें अगर प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आती है, प्रॉपर एक्सेंट नहीं आता, तो अंग्रेजों को कौन सा हरियाणवी या हिंदी आती है? तो चिंता मत करिएगा, कॉम्प्लॉट इज आवर नेक्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन, चेक इट आउट। और कॉम्प्लॉट को याद करने का तरीका क्या है? कम और प्लॉट से याद करेंगे भाई। किससे याद करेंगे? कम और प्लॉट से याद करेंगे। उसके पास मेरी तुलना में कम प्लॉट्स हैं, इसीलिए वह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो भाई षड्यंत्र का मतलब क्या हुआ? षड्यंत्र का मतलब हुआ कॉम्प्लॉट। क्या हुआ? कॉम्प्लॉट। और किससे याद करा? कम और प्लॉट से याद करा, यानी कि मेरी तुलना में उसके पास कम प्लॉट्स हैं, इसलिए वह मेरे खिलाफ क्या रच रहा है? षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी जिसको बोला जाता है। और इसके जो सिनोनिम्स है वो कोल्यूशन हो गया या इंट्रीग हो गया। क्या भाई? कोल्यूशन हो गया या इंट्रीग हो गया है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करें तो करूं तो भाई इनोसेंस हो गया या नॉन इन्वॉल्व। क्या भाई? नॉन इन्वॉल्व हो गया या इनोसेंस हो गया, ये हमारे क्या है? एंटोनिम्स हैं। चलेगा दिशा आपका स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल। साथ में जो ये पुराने वाले बच्चे हैं, किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आने दे भाई। चलेगा चलेगा, Here we go for the next word, and next word is right here on our screen. Dekhiyega. Let me have my pen first, and here we go. That's great. Conduce. क्या भाई? Conduce बोला जाता है। ये जो C है, ये starting में आता है, तो with a puff of air बोला जाता है। Puff of air क्या होता है? जैसे pavements. जैसे हम किसी का wait कर रहे हैं और काफी देर हो जाती है, वो हमें time नहीं दे रहा है और हम लोग दुखी हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो ये एयर हमने बाहर निकाली, इट इज कॉल्ड पफ ऑफ एयर। तो जैसे फेवेंट्स, कैट या खंड्यूस, ये इस तरीके से बोला जाता है। खंड्यूस को हम लोग याद करेंगे कौन सा दोष, यानी कि हमारे विरोधियों का। क्या भाई? हमारे विरोधियों का कौन सा दोष हमारे लिए सहायक साबित होगा? तो खंड्यूस का मतलब क्या बना? सहायक बना भाई। क्या बना? सहायक बना। जिसके सिनोनिम्स क्या हैं? बेनिफिशियल। इसको कभी भी बेनिफिशियल मत बोलिएगा। लक्ष्य बेटे आपका स्वागत है,
प्रशांत शर्मा, थैंक यू डियर, चलेगा चलेगा। कॉम्प्लॉट, कॉम्प्लॉट, कॉम्प्लॉट नहीं कॉम्प्लॉट, बिल्कुल भाई। विधि, दैट्स ग्रेट, चलेगा। हियर वी गो फॉर बेनिफिशियल, सिर्फ ट्वेल्थ के लिए नहीं है, यहां पर पांचवी क्लास के बच्चे भी हैं भाई। दिव्यांशी, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे भी हैं, सिक्स्थ के भी हैं भाई, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईशा, आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। तो भाई कंड्यूस को हमने याद करा, कौन सा दोष उनका, कौन सा दोष हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा, तो सहायक बिकम्स कंड्यूस, जिसके सिनोनिम्स हैं बेनिफिशियल या हेल्पफुल। क्या भाई? बेनिफिशियल या हेल्पफुल। जबकि इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो परनिशियस, परनिशियस हमने किससे याद करा था? पुरानी आशा से याद करा था, यानी कि पुरानी आशा में जीवन जीना हमारे लिए हानिकारक है। और हानिकारक के लिए कौन कौन से वर्ड्स थे? डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल किससे याद करा? डॉक्टरी और मेंटल से, कि भाई अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना हमारे लिए हानिकारक है। और हमारे लिए हानिकारक और कौन होता है? अभी बापू का नाम मत ले देना, कि बापू भी हानिकारक होता है। चलिए, शुभम राठी, हेलो भाई, हेलो, चलेगा। कोणार्क मित्तल, स्पोकन इंग्लिश का सेशन डेफिनेटली हम लोग करेंगे, जल्द ही करेंगे भाई, जल्द ही करेंगे। चलिए, पर्निशियस हो गया या हार्मफुल हो गया, ये हमारे एंटोनिम्स हैं किसके? कंड्यूस के। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आ गया अभी स्क्रीन के ऊपर, कन्फ्लेट। क्या भाई? कन्फ्लेट हमारा नेक्स्ट वर्ड है। कन्फ्लेट बोलो या कन्फ्लेट बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्फ्लेट को हम लोग याद करेंगे कौन और फ्लैट से। ये इसको याद करने का तरीका है, एक साइकोलॉजिकल तरीका है। एक्चुअली देर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ लर्निंग वोकैब। मतलब यार कितने सारे वर्ड्स रटोगे, रटना नहीं है, किसी भी वर्ड को ध्यान से देखना, उसके अंदर एक की नजर आएगी आपको, और उसी की सहायता से साइकोलॉजिकली हमें वो वर्ड याद करना है। जैसे कन्फ्लेट, ये हमारा वर्ड है, कन्फ्लेट को याद करेंगे कौन और फ्लैट, यानी कि भाई कौन कौन से फ्लैट्स को मिलाकर एक कर दिया गया है। क्या भाई? कौन कौन से फ्लैट्स को मिलाकर एक कर दिया गया है। मिलाकर एक करना, मिक्स करना या मिक्सचर जो कहलाता है, वो हमारा क्या होता है? कन्फ्लेट, मिलाना या मिलाकर एक कर देना या मिश्रण, हमारा क्या कहलाता है भाई? कन्फ्लेट कहलाता है। जिसके सिनोनिम्स क्या हैं? यूनाइट हो गया या मिक्स हो गया, यूनाइट हो गया या मिक्स हो गया है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो सेपरेट आ गया या डिवाइड आ गया। क्या भाई? सेपरेट आ गया या डिवाइड आ गया। इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। डेफिनेटली डेली रात को 9 बजे, संडे छोड़कर, क्योंकि संडे इज अ फंडे, एंजॉय करना होता है यार, आप भी करिए। और डेली रात को 9 बजे हम लोग सेशन लेकर के आते हैं। वो किसी दिन वोकैब का हो सकता है, किसी दिन ग्रामर हो सकता है। ग्रामर का कोई एक टॉपिक जरूर से जरूर हम लोग शुरू करते हैं, एक टॉपिक करते हैं भाई, डेफिनेटली। चलिएगा, कौन फ्रेय, कौन फ्रेय, ये नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, कौन फ्रेय। और कौन फ्रेय को याद करने का तरीका है कौन और फरारी। हमारा कौन सहयोगी, हमारा कौन सा साथी, हमारा कौन सा हेल्पर, हमारा कौन सा सहयोगी फरारी गाड़ी से आया है। हमारा कौन सा सहयोगी फरारी गाड़ी से आया है, तो कौन फ्रेय का मतलब क्या बना? सहयोगी बना। एले बोल दो, असिस्टेंट बोल दो, हेल्पर बोल दो, फ्रेंड बोल दो, या आप साथी भी बोल सकते हो इसको, डेफिनेटली कंपेनियन बोल सकते हो। इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, एक होता है साथी और एक होता है जान का दुश्मन होता है, बिल्कुल, है ना, तो उसको एनिमी बोला जाएगा या अपोनेंट बोला जाएगा, एनिमी या अपोनेंट बोला जाएगा, डेफिनेटली। चलिए भाई, चलिए। अरे गांधी जी का नाम लेकर के आप मुझे पथ भ्रष्ट करने की ट्राई मत करो। नितिन, नितिन बड़क, स्वागत है भाई, नमस्ते, चलेगा डियर्स। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई स्क्रीन के ऊपर, क्रैप्ड। क्या भाई? क्रैप्ड इज आवर नेक्स्ट वर्ड। और क्रैप्ड को याद करने का तरीका क्या है? अरे ये कौन फरारी तो पीछे वाले का आ गया। क्रैप्ड को हम लोग याद करेंगे किससे? करीब से याद करेंगे। क्रैप्ड याद करा जाएगा करीब से, यानी कि करीब करीब वह आजकल करीब करीब चिड़चिड़ा हो गया है। क्या हो गया है? चिड़चिड़ा। करीब करीब वह चिड़चिड़ा हो गया है। तो जो चिड़चिड़ा होता है या हठी होता है, उसको हम लोग क्रैप्ड बोलते हैं भाई। जिसके सिनोनिम्स क्या हैं?
जिसके सिनोनिम्स हैं इन्फ्यूरिएट, क्या भाई इन्फ्यूरिएट हैं या इर्क हैं या ग्रोम्पी, GRUMPY सबसे स्टार्टिंग वाला वर्ड है हमारा। ग्रोम्पी हमने याद करा था, गरम और पीसे, गरम चाय पीकर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। ग्रोम्पी का मतलब क्या बना, चिड़चिड़े बना। बिल्कुल हर्षिता, बहुत ही बढ़िया लिखा है भाई। शुभम राठी, हाँ गोल्डी, बिल्कुल भाई बिल्कुल डेफिनेटली। अरे 2 अक्टूबर नहीं लिखा है मिस्टर बावनिया, 12th of October लिखा है इसने, चलेगा दिशा ने। Here we go for antonyms. तो इसके antonyms क्या हैं? Sedate हो गया या calm हो गया, क्या भाई sedate हो गया या calm हो गया। अभी थोड़ी देर में हम लोग ऑन स्क्रीन टेस्ट अपना शुरू करेंगे dears, यानी कि पहले जो ऑलरेडी हम लोग वर्ड्स सीख चुके हैं और आपको उनका मुझे मीनिंग बताना है, मैं आपको ऐसे ही हिंट दूंगा, ठीक है भाई। चलिए रानू चहल, थैंक यू, मॉडरेटर बना दिया है दीक्षा को, बहुत बढ़िया शुभम, बहुत बढ़िया। चलिएगा, पानी वानी साथ में लेकर के बैठिएगा भाई। Here we go for the next word, क्रैम। क्रैम को याद करा जाएगा क्रीम से, अच्छा वर्ड है देखिएगा। क्रैम को याद करने का तरीका है क्रीम, क्रीम से याद करेंगे भाई क्रैम को, यानी कि करीम को राम के मुंह में या रहीम के मुंह में, करीम या रहीम, करीम को रहीम के मुंह में ठूस ठूस कर भर दिया गया है। तो भाई क्रैम का मतलब बना ठूस ठूस कर भरना, ठूस ठूस कर भरना, बिल्कुल। ओवरफिल करना, ओवरफिल करना, जो कहते हैं ना बहुत सारा खाने खाता है कोई और फिर भी कहता है और आने दो, तो हम लोग क्या कहते हैं, ले मर ले खा ले इसको भी, तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हैव इट टू योर फिल, क्या भाई हैव इट टू योर फिल, बिल्कुल बिल्कुल भाई। नरेशन भी करेंगे, नरेशन भी करेंगे दिशा, नरेशन भी करेंगे। चलिए, या फिर गॉर्ज, ओवरफिल या गॉर्ज इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो ओपन या रिलीज, क्या भाई ओपन या रिलीज इसके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर का जो भी टॉपिक करना है वो बता देना। ट्रैंक्विल, ट्रेन में कुली लोगों को शांत कर रहा है, बिल्कुल सही है, ट्रैंक्विल शांत करना हो गया भाई डेफिनेटली। नेक्स्ट वर्ड आ गया क्रैच, बोला जाता है ये, क्राउच मत बोलिएगा इसको, ये क्रैच बोला जाता है बेटे, और क्रैच को याद करेंगे कॉकरोच, किससे याद करेंगे, कॉकरोच से याद करेंगे कि भाई कॉकरोच को देखते ही, कॉकरोच को देखते ही जो लड़कियां होती हैं वो सिकुड़ कर बैठ जाती हैं, क्या कॉकरोच को देखते ही हमारी बेटियां सिकुड़ कर बैठ जाती हैं। लेकिन एक बात सुनिए, अभी यूपी के अंदर एक इतना जघन्य अपराध हुआ है, जो लोग कहते हैं कि मुझे चांद सी बेटी दे दो भगवान, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी चांद सी बेटी मत मांगिए, मत बनाइए अपनी बेटी को, कभी चांद मत बनाइए अपनी बेटी को, सूरज बनाइए, ताकि अगर कोई देखता भी है तो वो एकदम से अंधा हो जाए। अभी बेटियों को यहां पर डांस वगैरह कथक वगैरह मत सिखाइए, आप उनको मार्शल आर्ट सिखाइए, आप उनको जूडो कराटे सिखाइए, आप उनको सिखाइए कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि पूरी लाइफ किसी का मोहताज नहीं बनना है, किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना है, सशक्त बनो सबल बनो, इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत बैठो। ये चीजें शुरू करने का जो सही टाइम है वो अब है, नाउ और नेवर। क्रैच को हम लोग याद करेंगे कॉकरोच से, कि अधिकतर लड़कियां कॉकरोच देखते ही सिकुड़ कर बैठ जाती हैं, तो भाई सिकुड़ कर बैठना जो होता है वो क्रैच कहलाता है, क्या बेटे सिकुड़ कर बैठना क्रैच कहलाता है। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या बने, बेंड हो गया या ख्यावर हो गया, जबकि एंटोनिम क्या बनेगा, स्ट्रेच, क्या भाई स्ट्रेच बनेगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिएगा, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड, बिल्कुल मनीषा नाम था भाई लड़की का, और बहुत जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन कभी किसी सरकार के भरोसे मत बैठो, कोई किसी का नहीं है, उनके कौन से बच्चे हैं उनको क्या फर्क पड़ेगा, हमें अपना ख्याल खुद रखना है, सशक्त बना है बनना है, सबल बनना है। चलेगा, इसी के साथ में खरम, ये खरम्ब नहीं बोला जाएगा, एम के बाद में बी है, ये साइलेंट होगा भाई, खरम बोला जाएगा भाई ये, क्या खरम, और खरम को याद करने का तरीका है करम से याद करेंगे, क्या करम से, तुम्हारी लाइन का अगर क्रम भंग हुआ, तुम्हारी लाइन का क्रम अगर भंग हुआ तो ये सामान तुम्हें अल्प मात्रा में मिलेगा, अल्प मात्रा जो होती है वो खरम कहलाती है, क्या भाई अल्प मात्रा जो होती है वो खरम कहलाती है,
यानी कि थोड़ा, जिसको आयोटा बोल देते हैं या जोट बोल देते हैं। आयोटा या जोट हमारे सिनोनिम्स हैं। और भाई एंटोनिम्स की बात करें तो हॉल, ह्यूज या अबंडेंट, ये हमारे तीन इसके एंटोनिम्स हैं भाई। बिल्कुल चलेगा चलेगा प्रिंसी, एब्सोल्युटली राइट सर, दैट्स व्हाई आई एम योर बिग फैन। अरे बेटे, अरे बेटे, थैंक यू थैंक यू। नैना जयपाल इज देयर, वेलकम। चलेगा, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। इसको डैमनेशन बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? डैमनेशन बोला जाता है। और डैमनेशन को याद करने का तरीका भी डैम और नेशन है। ये 21 वाला शेयर कर लीजिएगा यहां पर। डैम और नेशन से ही हम लोग डैमनेशन को याद करेंगे, यानी कि डैम अधिक मात्रा में बनवाना, जरूरत से ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में बनवाना किसी भी नेशन का बर्बादी का कारण हो सकता है। तो डैमनेशन का मतलब क्या बना? बर्बादी। क्या बना भाई? बर्बादी बना, या अभिशाप भी आप इसको बोल सकते हो, अभिशाप। और अभिशाप के लिए ऑलरेडी कई सारे वर्ड्स हमने याद करे हैं। मैलडिक्शन याद करा है। मैलडिक्शन किससे याद करा? मालगाड़ी का एक्शन से। देश में अगर मालगाड़ी का एक्शन रुक गया तो यह देश के लिए अभिशाप होगा। या अनेथिमा, अनाथ बच्चों का अभिशाप, भगवान का अभिशाप होता है। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है? पर्डिशन हो गया या सफरिंग हो गया है, ये हमारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो बून हो गया या इनोवेटिव हो गया। क्या भाई? बून हो गया या इनोवेटिव हो गया। बिल्कुल भाई, मैथ्स का वर्ड है विपिन। और मैथ्स जो मुझे बचपन से कभी कभी समझ नहीं आया। नितिन बड़क नमस्ते भाई, नमस्ते। चलेगा, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पे आ गया। 20 करवाऊंगा भाई, उसके बाद में ऑन स्क्रीन टेस्ट होगा और फिर हम लोग क्या करेंगे? अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या नरेशन करेंगे भाई, डेफिनेटली। चलेगा, अरे मैथ्स का वर्ड है लेकिन मैथ्स का भी मुझे समझ नहीं आया यार। चलेगा, डेंगल आ गया भाई नेक्स्ट वर्ड। क्या आ गया? डेंगल। और डेंगल को याद करने का तरीका है दंगल। किससे याद करेंगे? दंगल से याद करेंगे। किसको? डेंगल से। डेंगल को डेंगल याद करा जाएगा दंगल से। यानी कि दंगल शुरू होते ही लड़के एक दूसरे के ऊपर लटकने लगे। जैसे होता नहीं है, मैच शुरू होता है तो सबके अंदर जोश आ जाता है और सारे एक दूसरे से हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। हाथापाई का मतलब वो उनसे कुश्ती करना शुरू कर देते हैं। तो भाई दंगल शुरू होते ही सारे लड़के एक दूसरे के ऊपर लटकने लगे या लटकना शुरू कर दिए। तो भाई लटकना जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? डेंगल कहलाता है। इसको आप झूलना भी बोल सकते हो। क्या भाई? झूलना भी बोल सकते हो और लटकना भी बोल सकते हो। यह डेंगल कहलाता है, जिसके सिनोनिम्स हैं स्वे या स्विंग। क्या भाई? स्वे या स्विंग, इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर मैं बात करूं एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स हमारे कौन कौन से हैं? अनड्रेप या फिक्स। अनड्रेप या फिक्स हमारे क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं। डेंगल को दंगल से याद करा, दंगल शुरू होते लड़के लोग एक दूसरे के ऊपर लटकना शुरू कर दिए। स्वे या स्विंग हमारे सिनोनिम्स हैं। Here we go for the next word on our screen. Screen का एक बार रुक करिएगा। और next word आ चुका है भाई, देखिए। ये dot बोला जाता है, dot, ठीक है? Dot को याद करेंगे डांट से। माँ की डांट सुनाई देती है ना सुबह सुबह, छोरे खड़ा हो जा, है ना? फिर दोबारा सुनाई देती है, छोरे उठ जा, लेकिन छोरा नहीं उठता। पिल्लो उठता है, कान पे रखते हैं, दबाते हैं, सो जाते हैं। तीसरी बार डांट नहीं सुनाई देती, तीसरी बार तो हवा में सरसराती हुई चप्पल आती है। ये माँ बाप का बड़प्पन है, माँ बाप का प्यार प्रेम है। जब उनका मन मर्जी आता है तभी ये एहसास करा देते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो भाई डॉट को हम लोग याद करेंगे डांट से। किससे याद करेंगे? डांट से। यानी कि डांट पड़ते ही वह अचानक से तीव्र गति से झपट पड़ा। झपट पड़ना, किसी भी काम के ऊपर झपट पड़ना। जैसे माँ ने बोल दिया, लड़के ये सामान उठा कर अलमारी के ऊपर रख दे। नहीं सुना। फिर कहते छोरे सुनाई नहीं दिया, सामान उठा और अलमारी पे रख दे। लड़के को फिर भी नहीं सुनता। फिर मम्मी जोर से चिल्लाते हैं, तेरा दिमाग खराब हो रहा, सुनाई दे रहा तेरे को, और इतनी देर में लो कर दिया बस। तो एकदम से जो झपट पड़ना होता है वो हमारा डोट कहलाता है, जिसके सिनोनिम्स हैं यैंक हो गया या स्नैप हो गया। जबकि एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो पुश हमारा एंटोनिम है भाई। क्या है? पुश हमारा एंटोनिम है। सक्षम रंगा, बिल्कुल भाई। डेंगल का मतलब लटकना हो गया है डियर। चलेगा चलेगा, उन चारों वॉइस को फांसी होगी। अरे मैं तो कहता हूं क्या किसी के बारे में क्या FIR कटवानी है, फैसला ऑन द स्पॉट कर लो, बाद की बाद में देखी जाएगी। चलेगा,
डैश डैश इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और डैश को याद करने का तरीका है दस। किसे याद करेंगे बेटे? दस से याद करेंगे, और किसको करेंगे? डैश को करेंगे, यानी कि 10 लोगों से हम टकरा गए। क्या? 10 लोगों से हम टकरा गए और हमने उनको कड़ी टक्कर दी। ठीक है, हमने उनको टक्कर मारी या उन्होंने हमारे अंदर टक्कर मारी। तो भाई जो टकराना या टक्कर देना, क्या भाई? टकराना या टक्कर देना इज कॉल्ड डैश। ठीक है, रन रन इनटू कर लो या रश। जबकि सिनोनिम्स की बात करूं तो डलनेस हो गया या फ्रम्पीनेस हो गया। क्या भाई? डलनेस हो गया या फ्रम्पीनेस हो गया है, डेफिनेटली डियर्स। इसी के साथ में सेकंड लास्ट वर्ड आ गया है, फिर हमारा ऑन स्क्रीन टेस्ट शुरू होगा भाई। बिल्कुल, डेक्लेमेशन। डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट आपके स्कूल में आप लोगों ने विटनेस करा होगा। डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है ना स्कूल्स में, बिल्कुल भाषण प्रतियोगिता आप इसको बोल सकते हो। तो डेक्लेमेशन को हम लोग याद करेंगे डिक्लेयर से। किससे याद करेंगे? डिक्लेयर से, यानी कि ये आज डिक्लेयर हो गया है कि सिर्फ ओजस्वी भाषणों से काम नहीं चलेगा। क्या? ये आज हमारे देश में डिक्लेयर हो गया है कि सिर्फ ओजस्वी भाषणों से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। कहां मुंह उठाते और बोल देते हो भाइयों और बहनों, हां काम भी करना पड़ेगा। तो भाई जो भाषण या ओजस्वी भाषण होता है, ओजस्वी भाषण जो होता है उसको डेक्लेमेशन बोला जाता है। क्या भाई? ओजस्वी भाषण को डेक्लेमेशन बोला जाता है। और इसी के साथ में जो सिनोनिम्स हैं वो लेक्चर हो गया या ओरेशन। जो बंदा ओजस्वी भाषण देता है उसको ओरेटर बोला जाता है भाई। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या है? इनआर्टिकुलेशन हो गया या मिस प्रनंसिएशन। ठीक है भाई, चलेगा। लास्ट वर्ड आ गया अब स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे क्या? अपना ऑन स्क्रीन टेस्ट। बिल्कुल डियर्स, चलेगा। हाँ बिल्कुल सही लिखा है प्रियंका बेटे और लक्ष्य, नेता आर एक्सपर्ट इन डेक्लेमेशन। डेफिनेटली चलेगा चलेगा। अभी चलते हैं हम लास्ट का। हमारा ये वर्ड आ गया है डिफो। ये डिफो बोला जाता है भाई। क्या? डिफो। और डिफो को याद करने का तरीका है डफर। डफर से याद करेंगे क्या? कि भाई डफर लोग जो होते हैं वो हर काम को टाल देते हैं या स्थगित कर देते हैं। तो भाई टालना या स्थगित करना। अब ये स्थगित कैसे लिखा जाएगा यार? से आफ आएगा ना, स्थगित। अगर गलत हूं तो आप मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा प्लीज। स्थगित करना या टालना डिफो कहलाता है। जो कहते हैं ना कि भाई आज का काम कल पर मत छोड़ो, यानी कि डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो आज का काम आज ही करिएगा। एडजर्न हो गया, ब्लॉक हो गया, डिले हो गया, ये हमारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात करूं तो एक्सपीडिएट, एक्सपीडिएट था या ये स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, और साथ में फॉर्ज। क्या भाई? फॉर्ज। ये हमारे एंटोनिम्स हैं, इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए। ये हमारे 20 वर्ड्स थे जिनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हम लोगों ने याद करे। अभी अगर आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हैं तो एक बार फटाफट रेडी लिख करके भेजिएगा, और मैं यहां स्क्रीन पर लगा देता हूं आपका ऑन स्क्रीन टेस्ट। फटाफट लिख करके भेजिएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी भाई, जल्द ही मिल जाएगी। और हियर वी गो फॉर योर ऑन स्क्रीन टेस्ट। ये इतनी सारी हमारी पीडीएफ है जो कि मोर देन 5000 वर्ड्स अब आपकी टिप्स पर होंगे। बिल्कुल, तो डेली रात को 9 बजे इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोग हाजिर रहिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। डेफिनेटली डियर्स, टेस्ट है आपका, स्क्रीन पर लग चुका है, लिखिएगा। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप लोग रेडी हैं, ये मुझे पता चल गया है। हिमांशु बुधवार इज देयर रेडी, वेलकम 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 भाई, वेलकम। चलिएगा, ऑनलाइन गेमर डिंपल और अमित चहल, नकुल भी अभी रेडी हैं। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बस शुरू कर देते हैं। अरे मनीषा, चलिएगा डियर्स, हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड खजोल। खजोल को हमने याद करा था काजोल हीरोइन से, कि भाई आप काजोल हीरोइन की डैश कर रहे हैं, और डैश के अंदर हमारा इसका जवाब है, आप काजोल हीरोइन की डैश कर रहे हैं, और डैश के अंदर हमारा जवाब है, तो काजोल हीरोइन के आप क्या कर रहे हैं, क्या का जवाब दीजिएगा। हियर वी गो फॉर द आंसर। लक्ष्य ढाका का और प्रिंस बिटिया का जवाब आ चुका है।
चापलूसी, आप काजोल हीरोइन की चापलूसी कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, चार्जशीट देना प्लीज। तो काजोल का मतलब क्या हो गया भाई, चापलूसी, बिल्कुल डेफिनेटली, बहुत ही बढ़िया जो आप लोगों ने दिया है, चापलूसी करना हमारा काजोल हो गया है। अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा अगर आपने भी चापलूसी करना लिखा है तो। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, हैगार्ड। और हैगार्ड को याद करने का तरीका था हमारा होटल का गार्ड, कि भाई होटल का गार्ड है वो डैश है, क्या है। अब डैश में इसका जो जवाब है वो आएगा, बिल्कुल भाई सही जवाब आप लोगों ने दिया है। अमित चहल, विपिन देशवाल, नकुल भट्ट और हिमांशी बुधवार, बब अहलावत इज देयर, चलेगा चलेगा, आप लोगों का स्वागत है। डिंपल, अमित और हर्षिता, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, चलेगा डियर्स। तो भाई हैगार्ड को हमने याद करा होटल का गार्ड से, होटल का जो गार्ड है वो, अरे बैक बाइट कर रहे हैं, अबे क्या लिख दिया है अमित, कहाँ हो बेटे। इसीलिए आपने तो ऐसा जवाब दिया है, समस्त देवतागण बड़े प्रसन्न हुए हैं और तीनों लोगों से आपके ऊपर पुष्प वर्षा करने की सोच रहे हैं। युग राना, चापलूसी पहले का बिल्कुल सही जवाब था। अभी होटल का जो गार्ड है वो सुस्त है, सुस्त है, वो आइडल है, आइडल है, वो लेजी है, वो लेथर्जिक है, वो इंडलेंट है, यानी कि सुस्त जो होता है, लेजी बोन्स जिसको बोला जाता है, थका हुआ, थकेला अपने वैसे लैंग्वेज में बोल देते हैं, बिल्कुल लेजी सही आप लोगों ने जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है भाई। चलिए किस किस ने बढ़िया जवाब दिया है, अमित, डिंपल, हिमांशी, जयश्री, अमित चहल, विपिन और साकेत, लक्ष्य, रानू चहल, शुभम राठी और विधि अलावत, और अरे गरीब नहीं है नितिन गरीब नहीं है, सुस्त है, चलेगा। डिफाइल वर्ड को हमने याद करा था डियर्स, देश की फाइल से, कि भाई नेता लोग देश की फाइल को डैश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए, यहां पर बदनाम मत लिख देना यार, बदनाम मत लिख देना, बताइएगा फटाफट, बिल्कुल भाई, पानी वानी अपने साथ में लेकर के बैठेगा डियर्स, चलेगा चलेगा। नेता लोग देश की फाइल को क्या कर रहे हैं, शे जहां भी ये षटकोण वाला दिखे उसको 21 वाला कर लीजिएगा भाई। चलिए, नेता लोग देश की फाइल को क्या कर रहे हैं, अब क्या में इसका जवाब है, डेफिनेटली लेट्स चेक इट आउट। द वेरी फर्स्ट कमेंट कम्स फ्रॉम लक्ष्य ढाका, बिल्कुल बिल्कुल, दूषित करना इज द राइट आंसर, दूषित करना बिल्कुल सही जवाब है भाई, कंटामिनेट करना, नेता लोग देश की फाइल को दूषित कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका ये जवाब सही है तो अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा, बालक और बालिकाओं, डेफिनेटली प्रिंसिपल बेटे सही लिखा है। जयश्री, जियो जियो, बहुत ही बढ़िया। विपिन देशवाल, डेफिनेटली भाई सही लिखा है, अरे खत्म नहीं था अशुद्ध, हाँ अशुद्ध करना बोला जा सकता है, खराब करना, दूषित करना, पोल्यूट करना, डेफिनेटली। हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेट, इनोवेट इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और इनोवेट को हमने याद करा था इनर का वेट, आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा है इसीलिए यह डैश हो गई है, इसीलिए यह डैश हो गई है, बिल्कुल भाई। तो डैश में हमारा क्या है भाई, डैश में हमारा इसका जवाब है, बताइएगा। विपिन देशवाल को बाय मिस्टेक टाइम आउट कर दिया गया है 5 मिनट के लिए। शुभम, विपिन देशवाल को एक बार करना भाई। फ्रेल इज द राइट आंसर, भारी नहीं हो गई है, कमजोर हो गई है, कमजोर, और कमजोर के लिए एक वर्ड हमने याद करा था फ्रेल, और फ्रेल वर्ड याद करा गया था फ्री में रेल से, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो फ्रेल का मतलब फ्रेल हो गया या फीबल हो गया या वीक हो गया, बिल्कुल सही बात है भाई, चलेगा। नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई डेप्रिडेशन, डेप्रिडेशन वर्ड हमने याद करा था डिपार्टमेंट में रेडिएशन, डिपार्टमेंट में रेडिएशन फैलने से चारों तरफ क्या हो गया, डिपार्टमेंट में रेडिएशन फैलने से चारों तरफ क्या हो गया, और जो हो गया वही हमारा इसका जवाब है, बिल्कुल भाई डेप्रिडेशन का जवाब है, चलिएगा चलिएगा। यहां पर विपिन देशवाल को यार टाइम आउट कर दिया गया है बाय मिस्टेक, तो भाई विपिन देशवाल को आप वो करिएगा, शुभम बेटे अगर सुन रहे हो मॉडरेटर साहब, तो विपिन देशवाल को आप बरी कर दीजिएगा, इनको बाय मिस्टेक टाइम आउट कर दिया गया है। युग राना, वीक या फ्रेल, बिल्कुल सही है,
नैना जयपाल फ्रेल, डेफिनेटली सही जवाब है। तो डेप्रिडेशन हमने किससे याद करा था? डिपार्टमेंट में रेडिएशन फैलने से चारों तरफ क्या हो गया बताइए? चारों तरफ विनाश हो गया। विनाश जो है वो हमारा डेप्रिडेशन है, जिसको सैबोटेज भी बोला जाता है। वो सैबोटेज, बिल्कुल विनाश सही लिखा है भाई। डिस्ट्रक्शन, अरे लूटपाट नहीं हो गई डिस्ट्रक्शन या सैबोटेज। सैबोटेज वर्ड हमने सब और स्टेज से याद करा था। सब स्टेज जितने भी वहां बनी है सबको बिगाड़ दो, तोड़ दो, नष्ट कर दो, विनाश कर दो उनका, डेफिनेटली। बरीव, और बरीव वर्ड हमने याद करा था बरी और राव साहब से। यहां पर खाली बरी लिखा गया है, राव साहब मैं लिख देता हूं। बरी और राव साहब से याद करा था कि भाई बरी हो गए हैं राव साहब, इसलिए उनके दुश्मन डैश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? सुमित्रा राठी फ्रेल, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब था। बरी हो गए हैं राव साहब इसलिए उनके दुश्मन डैश हो गए हैं। तो डैश में अभी बरीव का मीनिंग है, अभी आप बता दीजिए। डैश में बरीव का मीनिंग है भाई, बताइएगा। कुंज बंसल, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है भाई, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। एक बार भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर्स, अगर नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार, चलिएगा चलिएगा। और डेली रात को 9 बजे वंचित करना नहीं यार। अरे बरी हो गए हैं राव साहब इसलिए उनके जो दुश्मन हैं वो शोक संतृप्त हो गए हैं, शोक में डूब गए हैं। तो शोक में डूबना जो होता है, शोक संतृप्त होना, बिल्कुल ये बरीव होता है। डेस्टिट्यूट जिसको बोला जाता है, या डेस्टिट्यूट हो गया या डिवॉइड हो गया। अरे चिंतित नहीं है नितिन, चिंतित नहीं है भाई राठी ब्लॉग्स डेस्ट्रक्शन, अच्छा जी चलिएगा। डेस्टिट्यूट बोला जा सकता है। पोर्टेबल, पोर्टेबल वर्ड हमने याद करा था। अपना अपना स्कोर भी याद रखिएगा भाई, आज देखेंगे 20-on-20 कौन लेगा। 20-on-20 जो लेगा यहां पर अपनी वीडियो बना करके भेज देना भाई, 20-on-20 लेने वाले की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की जाएगी, डेफिनेटली। पोर्टेबल हमने याद करा था पोर्ट से, गमले से, यानी कि गमले में रखा हुआ पानी डैश है, और इसको गंदा मत बोल देना, है ना। चलिए, नहीं दुखी तो एक अलग चीज होती है युग। अच्छा दीक्षा बिटिया, कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद मैसेज कर देंगे विपिन, ये बाय मिस्टेक हो गया है विपिन। पोर्टेबल इज कॉल्ड ड्रिंकेबल, पोर्ट में रखा, गमले में रखा पानी पीने योग्य है। तो पीने योग्य जो होता है, ड्रिंकेबल जो होता है, टेकेबल जो होता है, उसको पोर्टेबल बोला जाता है, बिल्कुल सही जवाब है विधि। स्पूस, स्पूस को हमने किससे याद करा था? स्प्रे और रूस से याद करा था कि रूस के लोग स्प्रे का यूज करते हैं ताकि वो डैश दिखें, ताकि वो डैश दिखें, ताकि वो स्पूस दिखें, ताकि वो स्पूस दिखें, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। चलिए चलिए, ताकि वो स्पूस दिखें, स्प्रे का यूज करते हैं रूस के लोग ताकि वो डैश दिखें। अब डैश में इसका जवाब है स्पूस का, डैश में जवाब है स्पूस का, बिल्कुल भाई विधि के 20-on-20 आने चाहिए। साथ में लक्ष्य, लक्ष्य भी है, और रेस में और कौन है, रेस में अमित चहल भी है और साकेत भी है, जो 20-on-20 ले सकते हैं, बिल्कुल। बेटे प्रिंस ही आप भी ले सकते हो, है ना, अपना भी नाम ले लिया करो कभी। स्टाइलिश, स्टाइलिश चलो हो सकता है एक तरीके से, लेकिन स्पूस का मतलब साफ सुथरा होता है भाई, साफ सुथरा जो होता है ना वो स्पूस कहलाता है, कि भाई रूस के लोग स्प्रे का प्रयोग करते हैं ताकि वो साफ सुथरे दिखें। तो स्पूस बिकम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, डेफिनेटली बिल्कुल सही। विपिन देशवाल, हाँ आपकी जेल खत्म हो गई है विपिन, आई एम सॉरी, ये बाय मिस्टेक कर दिया गया था, चलेगा। नीट एंड क्लीन बिल्कुल सही जवाब है भाई। पोंड्रस इज अवर नेक्स्ट वर्ड, पोंड्रस को हम लोगों ने याद करा था पांडे और जी से। किससे याद करा था भाई? पांडे और जी से हमने पोंड्रस को याद करा था, यानी कि पांडे जी पोंड्रस जीवन व्यतीत करते हैं। अब पोंड्रस का मतलब बता दो, पांडे जी पोंड्रस जीवन व्यतीत करते हैं, तो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं पांडे जी, कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। विधि इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ वोकैब, क्या बात है विधि जियो, जयश्री
अरे बेटे प्रिंसी, नंबर आएंगे कहां से? ध्यान आपका कई कई जगह पे होता है ना। कष्टकारक, कष्टकारक आपने लिखा है। कष्टकारक एक अलग होता है, नीरस एक अलग होता है। पांडे जी नीरस जीवन व्यतीत करते हैं। नीरस जिसको ड्रैब हमने याद करा था, हमारा जो ड्राइवर, ड्रैब को ड्राइवर से याद करा था, हमारा ड्राइवर है वो नीरस जीवन व्यतीत करता है। बिल्कुल निराशापूर्ण हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, बिल्कुल। अरे बाबा निराश नहीं होता, निराश होता है। देखो सबने निराश लिखा है, निराश। स और श में कोई फर्क नहीं होता क्या? चलिए नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर, पिनेकल। पिन और अक्ल से याद करा था कि भाई पिन बनाने की अक्ल जिस दिन आपको आ जाएगी वो आपके जीवन का डैश होगा। क्या होगा? पिन बनाने की अक्ल जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी वो आपके जीवन का डैश होगा, पिनेकल होगा, वो आपका पिनेकल होगा। अरे बेटे प्रिंसी, आपके भी पूरे नंबर आने चाहिए। स्टडी पायरेट्स इज ऑल्सो हियर। रोहित हुडा स्वागत है बेटे। टीडीएस, हाँ पहले वाले का था टीडीएस। उदास आपने लिखा है, विधि उदास किसका लिखा है? अच्छा पीछे वाले का था जेनिथ। बिल्कुल शिखर, शिखर को एक और वर्ड हमने याद करा था, आपजी। आपजी हमने याद करा था, अपोज से याद करा था हमने, है ना? अपोज से याद करा था आपजी। जब से अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज करा, विरोध कराया, तब से वो शिखर पर पहुंच गए हैं। तो जेनिथ हो गया या एपजी हो गया, एपजी नहीं एपजी हो गया, पिनेकल हो गया, या क्लाइमैक्स भी बोल दिया जाता है, शिखर। बिल्कुल सही जवाब है। डिलेक्टेशन, बताइएगा, दिल्ली में इलेक्शन से हम लोग याद करेंगे डिलेक्टेशन को, यानी कि दिल्ली में इलेक्शन होने की वजह से सभी डैश हैं। दिल्ली में इलेक्शन होने की वजह से सभी डैश हैं, बताइएगा, बताइएगा। दिल्ली में इलेक्शन होने की वजह से लोगों में डिलेक्टेशन है। बेस्ट चलेगा। आप जी, अरे यार आप लोग पीछे चल रहे हो या मैं ज्यादा स्पीड से चल रहा हूं? फटाफट कर लो भाई, एक अपना नरेशन का भी देख लेंगे, या तो नरेशन का देख लेंगे या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेंगे। फटाफट कर लो यार। हैप्पीनेस, डिलेक्टेशन का मतलब ग्ली, मर्थ, डिलाइट या ब्लाइज। बिल्कुल सही है, प्लेजर, खुशी। दिल्ली में इलेक्शन होने की वजह से लोगों में हैप्पीनेस है, खुशी है। ग्ली वर्ड आज हमने याद करा था गीली से, कि भाई गीली मिट्टी देख करके बच्चों को खुशी मिलती है, ठीक है चलिएगा। जिगेंटिक हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई। जिगेंटिक हमने गगन से याद करा था, गगन कैसा होता है? जिगेंटिक, गगन कैसा होता है बताइएगा। ग्ली और मर्थ, बिल्कुल भाई सही लिखा है। राठी व्लॉग्स, बिल्कुल सही लिखा है भाई। सुमित्रा राठी, बैब अहलावत, डेफिनेटली आपने सही लिखा है, बिल्कुल भाई। जिगेंटिक, अरे इसको बड़ी जल्दी है हमारे से पहले। जिगेंटिक को हमने गगन से याद करा था, गगन कैसा होता है बताइएगा। गगन नीला होता है, ऐसा मत बोल देना यार, है ना? नैना जयपाल, प्लेजर, बिल्कुल सही था। बिग और लार्ज इज द राइट राइट आंसर। साकेत, गगन कैसा होता है? विशाल होता है। गोरगेंचुअल, गोरगेंचुअन होता है, या मैसिव होता है, ठावरिंग होता है, टाइटैनिक होता है। तो गोरगेंचुअन हमने याद करा था, अगर गन का चुनाव, अगर हमें अपने लिए गन का चुनाव करना पड़े तो हम सबसे विशाल गन चुनेंगे। मैसिव वर्ड याद करा था, मैं और शिव से, मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूं। टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज बहुत विशाल थी, या जिगेंटिक का मतलब भी विशाल हो गया। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेज वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। लेज वर्ड आ गया भाई, तो लेज का बताइए। नकुल भट्ट ने भी ह्यूज लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है भाई। बैब अलावत, बिग, बिल्कुल भाई, बिल्कुल डेफिनेटली सही लिखा है। लेज का मतलब बताइएगा। लेज, ये खाने वाले लेज की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं कोई चिप्स लिख दे यहाँ पे, है ना? लेज ये बोला जाता है। लेज से तो हमने ये याद करा था कि लेज चिप्स खाने वाले लोग डैश होते हैं। अब डैश में क्या आएगा, अब डैश में क्या आएगा वो बताइएगा फटाफट।
15 नंबर का होगा भाई बस। उसके बाद में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या नरेशन करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा नरेशन करना चाहोगे या वन वर्ड करना चाहोगे। वन वर्ड करेंगे थोड़ा सा फटाफट कर लेंगे, और नरेशन के लिए डेट डिसाइड कर लो, बहुत सारी नरेशन करनी है चलेगा। चिप्स लिख दिया ना लक्ष्य बेटे, चिप्स लिख दिया। अरे लेज खाने वाले लोग जो होते हैं वो आलसी होते हैं, लेजी होते हैं भाई। लेज का मतलब लेजी हो गया, लेजी हो गया, इंडलेंट हो गया, या और क्या हो गया, लेथार्जिक हो गया, लेजी बोन्स हो गया, आलसी हो गया, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट वर्ड आ गया है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया एक तरीके से। वैसे तो ये 20 है लेकिन फिर भी मैं 15 ही करूंगा भाई, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है फिर। चलिए चलिए पिवटल आ गया भाई। पिवटल को हम लोगों ने प्राइवेट और होटल से याद करा था, पिवटल प्राइवेट और होटल से याद करा था। यानी कि प्राइवेट होटल की अगर बात करें तो प्राइवेट होटल्स हैं अब आज के टाइम पर साइड बिजनेस के लिए लोगों के लिए बड़े डैश हो गए हैं, बड़े डैश हो गए हैं। जशवी लेजी सही लिखा है, वन वर्ड करना है। हाँ हाँ वन वर्ड में ही तुम्हारा कुछ हो सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने शुरू करे थे वहां तो तुम्हारा मोर बन गया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस में तुम्हारा मोर बना था, और नरेशन में भी तुम्हारा मोर बना था, वॉइस के अंदर भी तुम्हारा मोर बना था, और सबसे ज्यादा मोर किस में बना था, जब एक्सरसाइज दी थी मैंने और ऑल्टरनेटिव हमने हमें चूज करने थे वर्ड्स के, सिनोनिम्स हमें चूज करने थे, तब भी बना था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, असेंशियल इज द राइट आंसर। डिम्पी बिल्कुल सही जवाब दिया है, राठी व्लॉग्स ने बिल्कुल सही लिखा है। रिलैक्स किसका लिखा है यार, प्राइवेट होटल्स लोगों के लिए अब काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं साइड बिजनेस के लिए, तो जो इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण जो होता है उसको हम लोग पिवटल बोलते हैं भाई। बेनिफिशियल युग राना बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हाँ सेंट्रल भी बोला जा सकता है, वाइटल भी बोला जा सकता है, बिल्कुल। लास्ट आ गया भाई सैगेशियस, सैगेशियस, सैगेशियस को हम लोग सैगेशियस नहीं बोला जाता, ये सैगेशियस बोला जाता है, और साग से हम लोग याद करेंगे। साग खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं बताइएगा, बताइएगा साग खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं। अब कैसे में हाँ प्रीपोजिशन में भी बना था मोर, बिल्कुल प्रियंका बेटे, कोई बात नहीं। डिंपल डेफिनेटली प्रीपोजिशन में भी वही हाल था, मतलब मुझे हिमालय से आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई थी कि मास्टर जी सब मोह माया है, छोड़ दो सन्यासी बन जाओ आ जाओ। मतलब थोक के भाव में इतने गलत जवाब दिए थे, वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर रखी है, दो वीडियो मैंने प्राइवेट कर रखी है, इतने इतने गलत जवाब दिए। मैं पहली बार शॉक्ड था, आई वाज शॉक्ड एट दैट मोमेंट। मैं सोच रहा था यार या तो मैं ही अकेला ही पागल हो गया हूँ, ये सारे सारे के सारे एक साथ पागल हो गए हैं। चलिए बुद्धिमान होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, प्रूडेंट वर्ड हमने याद करा था पूरे और दांत से, यानी कि पूरे दांत, यानी कि 32 के 32 दांत जिसके होते हैं वो बड़ा ही बुद्धिमान होता है। प्रूडेंट हो गया, बुद्धिमान हो गया, चतुर हो गया, या सेवंट भी तो हमारा बुद्धिमान था। सेवंट को हमने किससे याद करा था, सावंत से याद करा था, राखी सावंत बड़ी ही बुद्धिमान अभिनेत्री है ना। चलेगा डीएल से एक बार स्कोर आने दो फटाफट, चलो स्कोर आने दो, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सेट करते हैं भाई। स्कोर आने दो एक बार, क्रूशियल बिल्कुल सही लिखा है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेट करेंगे, एक बार स्कोर आने दो अपना फटाफट। चलिएगा पानी वाली साथ में लेकर के बैठिए, और भाई 10 बजे तक इसको हम फिनिश करने की ट्राई करेंगे, या 10:05 तक 10 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा भाई। बिल्कुल भाई लीजिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं मैं। आज कौन सा सेट करना है, सेट कौन सा करना है एक बार बताइएगा। कल 31 करा था ना, कल शायद हमने 31 करा था सेट नंबर, और आज हम लोग कर लेते हैं भाई सेट नंबर 32। चलेगा डियर्स Here we go for set number 32 कर लेते हैं। और चीटिंग कोई मत करना, ध्यान रखना, जो कोई चीटिंग रहेगा उसको पाप लगेगा, जिसको पाप लगेगा उसके ऊपर वाले दो और नीचे वाला एक दांत टूट जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलेगा here we go for the very first question is gonna come right here. One word substitution set number 32 is right here. A person who is made to bear the blame of others, जो दूसरों का blame
सहन करने के लिए ही बना है, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? इनोसेंट बोला जाता है, स्केपगोट बोला जाता है, या इग्नोरमस बोला जाता है, या इनोसेंट बोला जाता है, बताइएगा एक बार। 15 on 15 किसने लिए हैं? हाँ, विपिन को जेल हो गई थी भाई 5 मिनट के लिए। 15 on 15 अमित चहल ने लिए है भाई, और 13 में से 13 लिए हैं जयश्री ने। नकुल भट्ट 12 लिए हैं, कोई बात नहीं, पहली बार आए हो यार, बैटरी का सिंबल आ गया ना, कोई नहीं कोई नहीं, 10 क्वेश्चन है यार, कर देंगे, फटाफट चलेंगे। लैपटॉप की बैटरी लो नहीं है, ये कैमरे की बैटरी लो आ गई है, अरे कोई बात नहीं यार, फटाफट चलेगा। अ पर्सन हु इज मेड टू बेयर द ब्लेम ऑफ अदर्स इज कॉल्ड व्हाट? इनोसेंट, स्केपगोट, इग्नोरमस या इनोसेंट, क्या बोला जाता है? फटाफट एक बार बताइएगा, फटाफट। फर्स्ट का बी जवाब यहां पर लगा दिया गया है साकेत के द्वारा, साकेत और लक्ष्य ने स्केपगोट लगा दिया है। सी लिखा है विपिन ने, सी लिखा है, इग्नोरमस लिखा है आपने, विपिन ने सी लिखा है, क्यों लिखा है यही हमें चेक करना है, ऐसी क्या बात थी इसके अंदर। फर्स्ट का बी जिसने लगाया है, फटाफट करेंगे भाई, बैटरी का सिंबल आ गया है, ठीक है, कोई नहीं, वैसे दूसरी बैटरी भी चार्ज है, लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा यार सेशन। चलो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बलि का बकरा जिसको बोला जाता है, करे कोई भरे कोई, है ना, तो स्केप गोट इज द राइट आंसर। इनोसेंट जो होता है वो मासूम बोला जाता है, जिसने कोई भी क्राइम कमिट नहीं करा है, ठीक है। इग्नोर मस का मतलब अनएडुकेटेड होता है, और इनोसेंट दोबारा आ गया है, तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया जवाब आप लोगों ने दिया है भाई, डेफिनेटली चलेगा। युग सी का मतलब था हमारा अनएडुकेटेड। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, अ नेम अज्यूम्ड बाय राइटर और अ फॉल्स नेम, जैसे स्पोकन इंग्लिश में हमारा गोल्डी हो गया, कमला हो गई, बिमला हो गई, है ना, तो चलिएगा चलेगा। फर्स्ट का भी शुभम बिल्कुल सही था बेटे, अरे हाँ 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 याद आ गया प्रिंस बिटिया। चलिए, अ नेम अज्यूम्ड बाय राइटर और अ फॉल्स नेम इज कॉल्ड व्हाट? नोमेनक्लेचर, एनोनिमस या स्यूडोनियम या पोर्टेबल, बताइएगा, स्यूडोनिम या पोर्टेबल, बताइएगा, एनोनिमस, नोमेनक्लेचर, पोर्टेबल, स्यूडोनिम। साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा, जिसका भी आप जवाब दे रहे हो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा बेटे। सेकंड का बी लगा दिया दीक्षा, दीक्षा बेटे थोड़ा सा ध्यान से जवाब लगाओ। अनोनिमस का मतलब क्या होता है? अनोनिमस का मतलब बेटे अननोन होता है, अनोनिमस यानी कि लाइनें तो हैं लेकिन ये किसने लिखी है हमें नहीं पता। आपने कपलेट्स के नीचे ये लिखा देखा होगा, अज्ञात, जिसको अज्ञात कहते हैं। यहां पर स्यूडोनिम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, स्यूडोनिम। नोमेनक्लेचर जो है ये क्या है? ये अ सेट ऑफ नेम्स है, अ सेट ऑफ नेम्स और टर्म्स, ठीक है। जबकि पोर्टेबल जो होता है, जो हमारा मोबाइल होता है वो पोर्टेबल होता है, ठीक है, जो चलता है, पोर्टेबल, इधर से उधर लेकर जा सकते हैं जिसको। चलिए, सेकंड का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन यहां पर मैंने लिख दिया है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बेटे, एन एल्डरली अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड व्हाट? स्पिनस्टर, वर्जिन, वेंडोल या बैचलर, बताइएगा बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। उसके बाद में मुझे निन्नी भी आ रही है अभी, निन्नी निन्नी चलेगा। इसमें 10 में से 10 लेकर के दिखा दो, इसमें 10 में से 10 लेकर के दिखा दो। अमित चहल ने 15 में से 15 लिए हैं, देखा, फटाफट एक बार जवाब लगा दो यार। स्पिनस्टर, वर्जिन, वेंडोल या बैचलर, एन अल्डरली अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड व्हाट? बताइएगा बताइएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं, थर्ड का ए डिंपल ने लगा दिया है भाई, थर्ड का ए डिंपल ने लगा दिया है, थर्ड का, अरे रुक जा भाई, इसको भी बड़ी जल्दी है पहुंचने की। थर्ड का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्पिनस्टर इज द राइट आंसर फॉर एन एल्डरली अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड स्पिनस्टर, वर्जिन हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड सेक्स इज कॉल्ड वर्जिन, वेंडोल जो कि नीडलेसली किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा देता है, बर्बाद कर देता है, उसको वेंडोल बोलते हैं, और बैचलर हमारा कुंवारा होता है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है,
ठीक है भाई। तो यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है बेटे। फोर्थ देखिएगा, सुमित्रा राठी, हर्षिता बैब अलावत और जयश्री, बिल्कुल सही। चलिएगा, अरे लक्ष्य यार सारी सीक्रेसी आउट मत करो यार। अ नंबर ऑफ पीपल गैदर टुगेदर फॉर सम कॉमन पर्पस, यहां पर कॉमन वर्ड आया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जवाब लगाइएगा भाई। एक ही वर्ड के ऊपर ये सारा सिस्टम हमारा चेंज हो जाता है। बिल्कुल भाई, फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा डीएस, फटाफट जवाब लगाइएगा। फटाफट जवाब लगाइएगा। चलिए चलिए, अ नंबर ऑफ पीपल गैदर टुगेदर फॉर सम कॉमन पर्पस, सम कॉमन पर्पस इज कॉल्ड क्राउड, क्वायर या बेंच या फिर गैदरिंग, बताइए। गैदरिंग आपने यहां पर बोली है, गैदरिंग आपने यहां पर बोला है, और गैदरिंग जिसने भी बोला है उसने बिल्कुल सही जवाब लगाया है। क्राउड भीड़ होती है, लेकिन ये फॉर सम कॉमन पर्पस नहीं होती, उनका पर्पस अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे आदमी इकट्ठे हुए हैं तो भीड़ अलग होती है, गैदरिंग अलग होती है। जैसे अभी किसानों की गैदरिंग हो रखी है, कॉमन पर्पस है उनका, ठीक है। चलिए, खोयर की अगर बात की जाए तो खोयर का मतलब क्या होता है, सिंगिंग ग्रुप। क्या भाई, सिंगिंग ग्रुप होता है एक, जिसको खोयर बोला जाता है। और बेंच क्या होता है, बेंच हमारा ग्रुप ऑफ जजेस भी होता है और बैठने का बेंच भी होता है भाई। चलिए डियर्स, नेक्स्ट वर्ड आ गया, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड व्हाट, स्टैक, फॉरेस्ट, स्वीट या ट्रस, बताइएगा। थोड़ा सा फटाफट कर लो भाई, सुमित्रा राठी, बाय भाई, बाय बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड व्हाट, स्टैक, फॉरेस्ट, स्वीट या ट्रस, बताइएगा। फटाफट जवाब लगा लीजिएगा, बालक और बालिकाओं। फिफ्थ का बी आपने लगा दिया है, नकुल भड़ने में बी लगा दिया है, साकेत ने बी लगा दिया है, दीक्षा और प्रिंसी ने भी बी लगा दिया है। फॉरेस्ट अगर आपने लिखा है तो चलो यार, अगर इतने सारे लोग फॉरेस्ट बोल रहे हैं तो एक बात को जब इतने सारे लोग कहते हैं तो मैं मान लेता हूं फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। स्टैक होता है किसका होता है, हे का होता है, ठीक है, भूसे का होता है या अनाज का भी ढेर होता है। स्वीट बोले रूम सेट होता है, ट्रस बोले तो एक ट्रायंगुलर अपनी शेप का कुछ होता है जो किसी बीमारी में बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द हाउस और शेल्टर फॉर ए काउ, बायर, डेरी, कैनल या फॉर्म, बताइए। बायर, डेरी, कैनल या फॉर्म, द हाउस और शेल्टर फॉर ए काउ इज कॉल्ड व्हाट, आने दीजिए, आने दीजिए, जवाब आने दीजिए फटाफट। बफरिंग शुरू हो चुकी है और मेरे ख्याल से बिल्कुल भाई बिल्कुल चलेगा, फटाफट आने दो यार, फटाफट जवाब आने दो। सिक्स्थ का बताइए, सिक्स्थ क्वेश्चन लग चुका है स्क्रीन के ऊपर, द हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ इज कॉल्ड व्हाट, बायर, डेरी, कैनल और फॉर्म, बी आपने लगा दिया सिक्स्थ का, डिंपल ने, डेरी इज द राइट आंसर, डेरी बिल्कुल सही जवाब है भाई। डेरी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, जो डेरी होती है वो काउ या भैंस के लिए होती है, बफलो के लिए होती है। बायर जो होता है वो हमारा बार्न होता है, बाड़ा जिसको बोला जाता है, और कैनल होती है ये हाउस होता है डॉग्स के लिए, और फॉर्म बोले तो किसी भी प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट आ गया है, फटाफट चलने दो भाई, एन इनक्लोजर एडजॉइनिंग अ रेस कोर्स वेयर हॉर्सेस आर केप्ट बिफोर रेसिंग इज कॉल्ड व्हाट, घोड़ों को रेस से पहले जहां पर रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, बूथ बोला जाता है, क्रील, पैडिक या ईवर बोला जाता है, बताइए। सेवेंथ आ गया स्क्रीन के ऊपर, सेवेंथ आ गया स्क्रीन के ऊपर, फटाफट एक बार जवाब लगा दीजिएगा, फटाफट एक बार जवाब लगा दीजिएगा। किसी भी टाइम मैं मिस्टर इंडिया हो सकता हूं, मैं अदृश्य हो सकता हूं, कैमरे की बैटरी बिल्कुल बोल चुकी है और अभी चेंज करने का टाइम बाकी नहीं बचा है, तो एक बार फटाफट बताइएगा मुझे। An enclosure adjoining a race course where horses are kept before racing is called what? Paddock is the right answer. C option is the right answer, बेटे। C option है, paddock बिल्कुल सही जवाब है। जो booth होता है, booth हमारा क्या होता है?
बूथ यानी कि एक स्टॉल होता है जहां पर सामान बेचा जाता है। क्रील बोले तो जालीदार एक टोकरी होती है जिसके अंदर कोई चीज फ्राई की जाती है या मछली वगैरह पकड़ी जाती है। यूअर बोले तो सुराही होती है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? पेडेस्ट्रियन बोला जाता है, आइटिनरेंट बोला जाता है, पिलग्रिम बोला जाता है, या कॉन्स्क्रिप्ट बोला जाता है, बताइएगा फटाफट बताइएगा भाई। एट आ गया स्क्रीन के ऊपर, एट आ गया भाई स्क्रीन के ऊपर। जरूरी नहीं उसके अंदर फिश ही पकड़ी जाए, कोई और सामान भी, जैसे कुछ तलने का सामान होता है हमारा, है ना, कुछ कढ़ाई में बनाते हैं तो जिससे हम लोग वो तेल नीचे से निकल जाता है और वो सामान उसके अंदर रहता है, उसको भी क्रील बोला जा सकता है। सी जवाब बिल्कुल सही था भाई, चलेगा। एट का सी आपने लगा दिया है, एट का सी गलत है भाई, एट का सी गलत है, एट का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइटिनरेंट हमने किससे याद करा था? आईटी ने रेंट, आईटी कंपनी ने रेंट पे लड़कों को रखा है जो एक स्थान से घूमकर दूसरे स्थान पर काम कर सके, यानी कि वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड आइटिनरेंट, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? पैदल होता है। पिलग्रिम क्या होता है भाई? तीर्थयात्री होता है। और कॉन्स्क्रिप्ट जो होता है, ये कॉन्स्क्रिप्ट इज कॉल्ड कंपल्सरीली एनरोलमेंट होता है आर्मी के अंदर, आर्मी के अंदर कंपल्सरीली उसको जाना होता है, इसको कॉन्स्क्रिप्ट बोला जाता है। काश अपने देश में भी ये शुरू हो जाए। सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन आ गया, अहेटरो मैरिज, अहेटरो मैरिज इज कॉल्ड व्हाट? फटाफट बताइएगा भाई। मिसोजेनिस्ट हो गया है, हैकलर हो गया है, मिसोगमिस्ट हो गया, गेमिस्ट नहीं बोलते, गमिस्ट बोलते हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल। कोट ज्यूटर हो गया है, बताइएगा फटाफट जवाब आने दो भाई, बाइंड अप करने वाला हूं, फिर उसके बाद बाइंड अप करने वाले हैं, फटाफट बताइएगा भाई, काफी लंबा चौड़ा टाइम हो गया है। चलेगा चलेगा बेटे, फटाफट बताइएगा, फटाफट जवाब लगा दीजिएगा। लेट्स चेक इट आउट, किसका जवाब एकदम से सही लगता है, कौन सही जवाब दे पाता है। आइए देखते हैं बालक और बालिकाओं, आइए देख लेते हैं एक बार किसका सही जवाब लगेगा। नाइन्थ का सी आपने लगा दिया है, मिसोगमिस्ट, यानी कि मैरिज एक गेम है, मैरिज एक गेम है जो कि चुनौतीपूर्ण है, मिसोगमिस्ट ऐसे हमने याद करा था, ठीक है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मिसोजेनिस की अगर बात की जाए तो हेटर ऑफ वुमन होता है भाई, जो औरत से नफरत करता है। हैकलर की बात की जाए तो हु इंसल्ट्स, जो किसी की इंसल्ट करता है वो हैकलर कहलाता है। मिसोगमिस्ट सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और कोर्ट्यूटर जो होता है वो हेल्पर कहलाता है भाई। तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और लास्ट का जो मेरा क्वेश्चन है वो आ गया स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन आ गया बेटे स्क्रीन पर। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड व्हाट? स्टाइल कहलाता है, सिनेक्योर कहलाता है, एमनेजिया कहलाता है, या कंफ्यूज कहलाता है, बताइएगा। सिनेक्योर कहलाता है, स्टाइल कहलाता है, एमनेजिया या कंफ्यूज बोला जाता है, फटाफट जवाब दे दो भाई। नाइन्थ का सी बिल्कुल सही था दीक्षा बेटे। सुमित्रा राठी, प्रिंसी, बैब अहलावत और युगराना, डेफिनेटली यार सही था। विधि, प्रियंका और नैना जयपाल ने ए दे दिया था, खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिएगा, लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेजिया कहलाता है भाई। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एमनेजिया हमने याद करा था अमन और एशिया से, अमन का मतलब होता है चैन, एशिया महाद्वीप में चैन कायम करने के चक्कर में उसकी स्मृति का लोप हो गया, विनाश हो गया, ठीक है भाई। स्टाइल का मतलब क्या होता है? स्टाइल का मतलब कोई भी फ्रेम होता है, डोर होती है या विंडो होती है। सिनेक्योर का मतलब क्या होता है? एक क्रशी जॉब होती है, क्यूशी जॉब होती है, कुशी जॉब कैसी होती है, जो आप काम ना भी करो तो भी आपको बहुत सारा पैसा जो दिलाती है, उसको सिनेक्योर बोला जाता है। कंफ्यूज कंफ्यूज होता है, ठीक है भाई। नहीं भाई ये तो मुझे नहीं पता है ऑनलाइन गेमर कौन है, लेकिन डेफिनेटली आप यहां हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है डियर्स। एंड वेल डियर्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेस सेशन, सो वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश बिसामे राइट हियर। आई विल बी मीटिंग यू टुमारो फॉर द टाइमिंग, ऑल द सेम, कीप ऑन हैविंग फन, कीप ऑन यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कराया तो एक बार कर दीजिएगा, और हिट द बेल आइकॉन डेफिनेटली। सो आई विल मीटिंग यू टुमारो फॉर द टाइमिंग, मे लक स्माइल ऑन यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेस सेशन, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।